कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं। जिस तरह से आपने देखा लगातार जो इस तरह से पुल गिरते जा रहे हैं, तो उसी में लगता है सरकार व्यस्त है। एक के बाद एक करीब 25 से 30 पुल आपने देखा कि गिर गए हैं, तो अभी उसी को नई लोग संभाल पा रहे हैं। देखिए बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और जिस तरीके से राजद के तरफ से डेटा जारी किया जाता है अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इस बीच आज लालू की बड़ी बेटी पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती सरकार के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अब जो है गृह विभाग यानी प्रशासनिक स्तर पर उनकी हाथ जो है कमज़ोर हो गई है और वो आज निजी कारणों से उन्होंने बताया कि आज पूर्णिया जा रहे हैं। पप्पू यादव के पिता के निधन हुआ है जिसको लेकर वो पूर्णिया रवाना हो रहे हैं। उसके रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने सरकार के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए। बाढ़ पीड़ित इलाके को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम उन बातों को पहले आप मीसा भारती के बयानों को सुनिए। देखिए अभी टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफ़ी ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा। उतने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी, वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है, मतलब उनको ट्वीट किया है बिहार और बलात्कार को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार का आप अपमान कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराध सीएम हाउस से होता था आपके वक्त में, क्या कहेंगे उनको? देखिए मैं बार बार यही हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना आज घटी है, सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार का नेतृत्व ये लोग करते हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है प्रशासन पे। आपको लगता है कि बिहार में एक भी मीटिंग जल संसाधन विभाग की नहीं हो रही है, नीतीश कुमार कोई समीक्षा बैठक नहीं कर रहे हैं, कोसी बराज की ओर कितना पानी आ रहा है? देखिए जिस तरह से आपने देखा लगातार जो इस तरह से पुल गिरते जा रहे हैं तो उसी में लगता है सरकार व्यस्त है। एक के बाद एक करीब 25 से 30 पुल आपने देखा कि गिर गए हैं, तो अभी उसी को नई लोग संभाल पा रहे हैं। अभी एक भी बैठक नहीं होगी तो अब मैं कैसे कहूँ, मैं सरकार में हूँ ना, हम लोग उसमें है, तो ये तो सरकार को सोचनी है ना। बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं, सरकार को सोचनी है कि वो बैठक करेंगे या कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मीडिया को और बिहार के जनता को नहीं मिल रही है। तो हो क्या रहा है मीडिया भी जानना चाह रही है, हम लोग भी पक्ष के नेता भी जानना चाह रहे हैं और बिहार की जनता भी जानना चाह रही है। आज पूर्णिया जा रहे हैं आप, क्या कार्यक्रम है वहाँ आपका? देखिए पूर्णिया जाना एक पारिवारिक और कहा जाए व्यक्तिगत हमारा मामला है, वो पप्पू यादव जी के पिताजी का श्राद्ध है उसमें शामिल होने जा रहे थे। तो आपने साफ तौर पर लालू की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती के बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहती नजर आई क्या बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार की साफ तौर पर हाथ जो है प्रशासनिक स्तर पर कमजोर हो चुका है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो मुख्यमंत्री आवास से जो घटनाएँ जो घट रही थी उसको लेकर क्यों नहीं डेटा जारी किया जाता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यही तो दिक्कत है, घटनाएं आज घट रही है और ये लोग 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहे हैं। सरकार में क्या कुछ चल रहा है न विपक्ष को पता है न मीडिया को पता है। हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष के नाते सरकार अपनी बातों को मीडिया में रखे, पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। निजी कारणों का हवाला देते हुए मीसा भारती
आज पूर्णिया रवाना हो रही है। पूर्णिया में उनका कार्यक्रम है। क्या उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पप्पू यादव जी का जो पिता को जो निधन था उसको लेकर वो पूर्णिया जा रही है। वहीं बाढ़पीड़ित इलाकों के लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है जो पुल पुलिया जो गिर रही है उसी में व्यस्त है और उसी को संभालने में लगी हुई है। जिस तरीके से राजद की तरफ से अपराध भ्रष्टाचार को लेकर डेटा जारी किया जाता है, कई बातें सामने निकल कर आती है, तो उन्होंने साफ तौर पर सरकार के ऊपर जोरदार हमलेवार हुए। वैराज इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।